CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम यादें बापू गांधी की। शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ। आइए सुनें उस्ताद अमजद अली खान को। आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए। यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए। सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया। नमस्ते बापू। नमस्ते गांधी। नमस्ते। नमस्ते। हमारी खुशनसीबी आप मेरठ आए। बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया, ये
अचकन देसी क्यों नहीं पहनते? मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया, अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है। एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा। उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए। देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी। जी बापू। देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए। जी बापू, हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए। कुछ खास होना चाहिए। मजदूर रहेंगे उसमें, मेहनत करने वाले। बापू, धर्म का काम है ये तो। भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए। धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला। आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले, भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं। मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं। बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया। हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। हाँ बिल्कुल सर। गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।
गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी। ये लो, अरे लो, मुझे भी लीमू दो ना, ये लो, चाहिए। वो उस लड़की के साथ खेलने लगा। ये लो। खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में। गया? हाँ, वो गया। अरे रो मत। मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं? अरे नहीं, नहीं। वो किनारे पर ही तो होगा ना? अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी। गया? हाँ, गया लीमू। मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए, मेरा रुमाल किस जेब में है? उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है। अरे वो आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने। अरे मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी। अरे नहीं नहीं पापू। नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन। नहीं पापू। नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे पापू। नहीं नहीं, अरे पापू। अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो। ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया, उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला। हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला। ठीक है बापू। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा, अच्छा बताओ क्या बात थी? बापू ये सब बस एक मजाक था। देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो। जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा। कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए। यादें बापू गांधी की। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष आभार उस्ताद अमजद अली खां, लेखक हामिदुल्ला अफसर, कलाकार परवेज गौहर, शालिनी सिंह, वैभव श्रीवास्तव और किशोर साही जानी, ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।